जंगल में तोते महाराज का राज ही चल रहा था। वे बहुत अच्छे थे, जिसके कारण सारे जंगल का निजाम ठीक ठाक चल रहा था। उसी जंगल में एक नीलू चिड़िया भी रहा करती थी। वे नीलू चिड़िया बहुत ही अच्छी थी और उसकी आदतें भी बहुत ही अच्छी थी। वे हमेशा ही जंगल के सभी पक्षियों की मदद कर दिया करती थी, इसीलिए उस जंगल के सारे पक्षी भी किसी भी मुसीबत के वक्त नीलू चिड़िया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ के तोते महाराज उन सभी पक्षियों को अपनी महल में बुलवा लेते हैं। अरे रे पक्षियों, मैंने आप सब पक्षियों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खास बात बताने के लिए बुलाया है। अरे रे, फिर तो जल्दी से बताइए महाराज कि वो क्या बात है, मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। अरे भाई कालू कव्वे, जरा सबर तो रखो, तुम्हें आखिरकार ये सब सुनने की इतनी जल्दी भी क्यों है? अरे रे पक्षियों, वो मुझे आप सब पक्षियों को ये बताना था कि हमारे साइड वाले पीछे के जंगल में मुफ्त दूध दिया जा रहा है, इसीलिए आप सभी पक्षी भी उसी जंगल में जाकर वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आइए। अरे वाह भाई वाह पक्षियों, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो हम सब पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो पक्षियों, हम सभी अपने मटके लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आते हैं। तो फिर चलो पक्षियों, आखिर देर ही किस बात की है, हम सब वहाँ पर जल्दी जल्दी जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा दूध ही खत्म हो जाए। अरे रे नहीं नहीं कालू कव्वे, अभी अभी तो सुबह हुई है, अभी तो थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर दूध देना शुरू हुआ होगा, इसीलिए अभी वहाँ पर काफी ज्यादा दूध होगा, हमें तो दूध मिल ही जाएगा। बस फिर क्या था कि अभी थोड़ी ही देर के बाद उस जंगल के सारे पक्षी दूसरी जंगल से अपने मटके दूध से भर कर अपने जंगल आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में कालू कव्वे से अपना मटका नहीं पकड़ा जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो नीलो चिड़िया से टकरा जाता है और उसका और नीलो चिड़िया दोनों का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है और कालू कव्वे का मटका नीलो चिड़िया के सर पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से नीलो चिड़िया के सर पर कई चोट आ जाते हैं। अरे रे नीलो चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या तुम देख कर नहीं उठ सकती थी, ये तो तुमने सारा का सारा दूध जाया कर दिया है। अरे पर कालू कव्वे, गलती तो सारी की सारी तुम्हारी है, तुमसे तो अपना मटका भी नहीं संभाला जा रहा था और तुम्हारी वजह से ही तो नीलो चिड़िया का मटका जमीन पर गिरा और उसका सारा का सारा दूध जाया हो गया है। अरे रे पक्षियों, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ और आप सब पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे रे नीलू चिड़िया, तुम अपने जंगल में ही तो हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें सब याद तो है ना? पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे तो अपने महल में होना चाहिए था। और कालू कव्वे, तुम तो मेरे नौकर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे खड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे सामने खड़े होने की, तो जरा मुझसे दूर खड़े रहा करो। अरे रे पक्षियों, ये नीलो चिड़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? ये नीलो चिड़िया क्या बोले जा रही हैं? पता नहीं पक्षियों, इस नीलू चिड़िया को क्या हो गया है, ये अब कैसी कैसी बातें कर रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर महाराज को बुला कर लाता हूँ। फिर अब वे कबूतर तोते महाराज को वहाँ पर बुला कर लेकर आते हैं। अरे रे नीलू चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम आखिर अपने आप को महाराज क्यों बुला रही हो, जंगल का महाराज तो सिर्फ मैं हूँ ना। अरे रे तोते, आखिर ये तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम देखो ना, इस जंगल की महाराज तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। हाँ लगता है नीलू चिड़िया गिरी है ना, लगता है इसे कुछ हो गया है, अभी तो हमें उल्लू वेची को बुलाकर ही लाना पड़ेगा, अब वही बताएंगे कि आखिर नीलू चिड़िया को हुआ क्या है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कि रंगीन पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं अभी जाता हूँ और उल्लू वेची को यहाँ पर लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद अब वो कालू कव्वा उल्लू वेची को वहाँ पर बुला के ले आता है। पक्षियों,
आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी देख लेता हूँ कि आखिर नीलो चिड़िया को हुआ क्या है। बस फिर थोड़ी ही देर में वे उल्लूची नीलो चिड़िया को अच्छी तरह से देख लेते हैं। पक्षियों जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ये मटका गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, इसी वजह से वे अपने आप को महाराज और कालू कब्बे को अपना नौकर समझ रही है। अब जब तक नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस नहीं आती, आप सब पक्षियों को इसी तरह ही रहना पड़ेगा। और हाँ कालू कब्बे, तुम्हें भी इस नीलो चिड़िया का गुलाम रहना पड़ेगा। हाँ तो फिर क्या उल्लुए जी, ये नीलो चिड़िया मेरे महल में रहेगी? हाँ उल्लुए जी, तो फिर क्या हमें भी नीलो चिड़िया को महाराज समझना होगा? देखो पक्षियों जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, बस अब आप पक्षियों को कुछ ही अरसे के लिए ये सब नाटक करना ही पड़ेगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ सकती है, तो फिर आप लोग यही नाटक बंद करके अपने सही रूप में आ जाइएगा। अरे रे पक्षियों, नहीं नहीं, मैं नहीं बनने वाला इस नीलो चिड़िया का नौकर, मुझसे नहीं होगा ये नाटक वाटक। कालू कव्वे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अरे रे कालू कव्वे, क्या हो गया है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चलो चलो, मुझे जल्दी से अपने महल में लेकर चलो। अच्छा भाई चलो, भाई चलो, अब लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे महल में। फिर वे कालू कव्वा नीलो चिड़िया को लेकर महल में आ जाता है। चलो कालू कव्वे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, चलो मुझे जल्दी से हवा दे दो और फिर उसके बाद मुझे पीने के लिए दूध ला कर दो जल्दी से। नीलो चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कव्वा अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे रे जरा नखरे तो देखो इसके, अपने आप को तो सचमुच का महाराज मानने लगी है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस फिर यूं ही वे कालू कव्वा पूरा दिन नीलो चिड़िया की खिदमतें कर कर के थक जाता है और फिर ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। कालू कव्वे, अब तुम अपने घर जा सकते हो और हाँ, कल सुबह यहाँ पर जल्दी आ जाना। जी जी महारानी साहिबा, जैसे आप कहे। बस फिर वे अब कालू कव्वा अपने घर पर आ जाता है और वे बहुत गुस्से में होता है और वह सोचने लगता है, अरे रे ये नीलो चिड़िया ने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया है। एक दफा इस नीलो चिड़िया की सर पर एक मटका क्या गिरा था जिसकी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, क्या पता अगर एक और बार इसके सर पर मटका गिराया जाए तो इसकी याददाश्त वापस आ जाए। क्यों ना मैं इसके सर पर जाकर डंडा मार दूं। चलो फिर कल ऐसे करता हूँ, जाकर इसके सर पर डंडा मारता हूँ, फिर कैसे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर अब अगली सुबह जैसे ही सुबह हो जाती है तो कालू कव्वा अपने साथ जो डंडा लेकर आया था, फिर वे डंडा नीलो चिड़िया के सर पर लग जाता है। डंडा लगने की वजह से नीलो चिड़िया वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। अरे रे ये क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गई है, बस जल्दी से बाकी पक्षियों के यहाँ आने से पहले ये होश में आ जाए। बस फिर अब थोड़ी ही देर के बाद उस नीलो चिड़िया को अचानक से होश आ जाता है। अरे रे कालू कव्वे, मैं यहाँ पर महल में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पर महाराज की जगह पर क्यों बैठी हूँ? अरे रे नीलो चिड़िया, बस तुम अभी यहाँ पर जरा रुको, पहले मैं यहाँ पर सारे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये सब क्या चल रहा है। बस फिर अब थोड़ी ही देर में वे कालू कव्वा उन सब पक्षियों को वहाँ पर बुला कर ले आता है। अरे रे कालू कव्वे, क्या हो गया है, हमें क्यों बुलाया है और ऐसा क्या कर दिया है तुमने जिसकी वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई है? अरे याददाश्त, ये सब आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आखिर मुझे क्या हो गया था? फिर वे कालू कव्वा नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अरे वाह वाह कालू कव्वे, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे डंडा मारने की वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई। हाँ कालू कव्वे, तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करके, वरना नहीं तो तुम अभी तक मेरे नौकर ही बने होते। अरे हाँ भाई चिड़िया, तुमने तो एक दिन में मुझसे अपनी ढेर सारी खिदमतें करवा करवा के मुझे पागल कर दिया था। हाँ अब जो हुआ वो हुआ, और अब आगे से कालू कव्वे तुम जरा देख करो ना।
बस फिर ऐसे ही कालू कौवा अपनी गलती मान लेता है और उस जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है।